मूर्ख लड़का है वो, उसके साथ पढ़ता, उसकी सीता से उसको बोलेगा मायना नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे, मैंने तो वृंदावन में शुभ हूँ। वो लड़का मूर्ख है, जगत गुरु राम भद्राचार्य ने अभिनव अरोड़ा को लेकर दिया बयान। मन से उतारने के बाद संत राम भद्राचार्य ने अभिनव अरोड़ा को कहा मूर्ख। अब बर्दाश्त नहीं, स्वामी राम भद्राचार्य की डांट पर बोले अभिनव अरोड़ा। ट्रोल कर रहे सोशल मीडिया यूजर के लिए अभिनव ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। अभिनव अरोड़ा नाम तो जरूर ही सुना होगा, मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक मशहूर इस छोटे से बच्चे की वीडियो कभी न कभी आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखी होगी। और बाल संत के नाम से मशहूर अभिनव अरोड़ा इन दिनों काफी चर्चा में है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि जगत गुरु राम भद्राचार्य ने अभिनव को डांट कर मंच से नीचे उतार दिया है। इस पर सोशल मीडिया यूजर अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब इस मामले पर अभिनव अरोड़ा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रामचंद्र भगवान की, आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे देने को, मर्यादा है मेरी, चलो भाई। इस पूरे प्रकरण पर सुल्तानपुर में हो रही कथा के उपरांत जब मीडिया ने राम भद्राचार्य से अभिनव अरोड़ा को लेकर प्रश्न पूछे तो उन्होंने कहा वो मूर्ख लड़का है, उसको शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है, वो कहता है कि श्री कृष्ण उसके साथ पढ़ते हैं। अब भला बताइए श्री कृष्ण उसके साथ पढ़ेंगे? मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा जी, उसके लिए आप क्या अरोड़ा वाला, वही बात, अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है, वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, सीता से उसको बोलेगा मायना नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे, मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। अभिनव अरोड़ा का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में वो कह रहा है कि राम भद्राचार्य जी ने मुझे डांटा था और उसके बाद उन्होंने अपने रूम में बुलाकर आशीर्वाद दिया था। उस समय मुझे मंच की गरिमा नहीं पता थी, शांत रहना होता है, मैंने राम जी का जयकारा लगा दिया था, इस मंच की गरिमा भंग हो गई थी, इसके बाद मैंने ऐसी गलती नहीं की और हर गलती आपको सीख देती है। अभिनव का कहना है कि सच्चाई छुपाई गई है, अफवाह उड़ाई गई है, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई है, मेरा वायरल वीडियो प्रतापगढ़ का बताया जा रहा है लेकिन ये सब झूठ है, ये वीडियो एक साल पुराना है, 2023 वृंदावन का है, क्या आपके माता पिता ने आपको नहीं डांटा है? अगर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया तो इसे देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? ये तो किसी ने नहीं बताया कि इसके बाद जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने मुझे अपने रूम में बुलाकर आशीर्वाद भी दिया था। अभिनव अरोड़ा का कहना है कि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ, मेरी बहन स्कूल नहीं जा पा रही है, अब दीपावली की शॉपिंग कर रहे हैं लेकिन हमें धमकी दी जा रही है कि घर से बाहर मत निकलना वरना जान से मार देंगे। इतना ही नहीं, अभिनव का कहना है कि धमकी भरे कॉल्स भी आ रहे हैं, अब तो मेरी मैया को फ़ोन उठाने से भी डर लगता है। अभिनव ने यह भी कह दिया है कि मुझे अभी तक मोटा और तोतला कहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन अब मेरी भक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मैं धर्म को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अभिनव का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। किस स्थिति पर एक बड़ी वक्ता है, मुझे उनकी कुछ लाइन्स याद आ रही है, कुछ पंक्तियाँ याद आ रही है, सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई, वो वीडियो परसों प्रतापगढ़ का बताया जा रहा है जो कि झूठ है, वो वीडियो आज से 1-1.5 साल पुराना 2023 वृंदावन का है, क्या आपके माता पिता ने आपको कभी नहीं डांटा, क्या आपके गुरु ने आपको कभी नहीं डांटा? अगर देश के इतने बड़े संत जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया तो इसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? ये तो किसी ने नहीं डाला कि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने उसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और अपना आशीर्वाद भी दिया था, लेकिन आपने बोला कि राम भद्राचार्य जी ने मुझे डांटा, अरे आपके गुरु ने भी तो आपको 8 साल की उम्र में कभी डांटा होगा, 9 साल की उम्र में कभी डांटा होगा, क्या आपसे 8 साल की उम्र में 9 साल की उम्र में कभी गलती नहीं हुई क्या? वो कह रहे हैं आप स्कूल नहीं गए, अरे मैं स्कूल जाता हूँ
और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग कर रही है कि मैं इन लोगों की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। मेरी वजह से मेरी बहन भी स्कूल नहीं जा पा रही है। आपको सोशल मीडिया पर बहुत कुछ कहा जा रहा है, कई गंदी गंदी बातें भी आ रही हैं उसमें लिखी हुई। इसके अलावा कुछ हमने सुना है फोन कॉल्स आ रहे हैं आपके घर पर परिवार वालों के पास, उसमें भी कुछ कहा जा रहा है, ट्रोलर्स इस तरह से लगातार कर रहे हैं, तो इस सब पर आपका क्या कहना है? मेरे घर वालों के पास रोज 500 से 1000 कॉल्स आ रही है, और उस देखिए जैसे दिवाली आ रही है, सब दिवाली की तैयारी कर रही हैं, दिवाली की शॉपिंग कर रही हैं, और मेरे घर वालों के पास कॉल्स आ रही हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आपको जान से मार दिया जाएगा। तो ये मेरे पिताजी के पास, मेरे घर वालों के पास कॉल आ रही है। अब मेरी मैया को तो कॉल्स उठाने से भी डर लग रहा है। क्या किस तरह की बातें जो हैं वो की जा रही हैं, कुछ आपने सुना देखा? देखिए अभी तक मुझे मोटा टोटा बोल रहे थे, तब तक हमने सोचा कि उनका व्यापार चल रहा है, वो कमा रहे हैं, लेकिन अब बात मेरी भक्ति की आ गई, मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई तरह के आरोप आप पर लगे, कहा गया कि आप मंच पर चले गए, मंच की मर्यादा भंग हो गई उसकी वजह से, साथ साथ रामभद्राचार्य जी के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या आपका कहना है, दोनों चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के दर्शन करके मैं भक्ति में लीन हो गया था, तो मुझे लगता है कि मेरे से मंच की गरिमा भंग हुई, तो ये मेरी गलती थी, उसके बाद मैंने मंच में कभी ऐसा नहीं किया। क्या सोचते हैं आप रामभद्राचार्य जी के लिए, क्या आपके विचार हैं? देखिए रामभद्राचार्य जी की डांट में भी एक प्रेम छिपा हुआ होता है, उन्होंने मुझे डांटा इसको भी मैंने आशीर्वाद स्वरूप ही समझा, और मेरे ऊपर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और कई चैनल मुझे, कई लोग मुझे धर्म गुरु और संत कह करके भी पुकार रहे हैं, कृपया ऐसा ना करें। अभी तो मैं मेरे कान्हा जी का, मेरी राधा रानी का, मेरे राम जी का एक भक्त हूँ, मैं तो धर्म को सीखने के प्रयास में हूँ, तीर्थों के दर्शन करता हूँ, ज्ञानी संतों से मिलता हूँ, उनसे समझता हूँ, उनसे सीखता हूँ, मैं तो सनातन धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। क्या हुआ था वो मंच वाली बात एक बार जरूर बता दीजिए आप, क्योंकि उसी को लेकर मुख्य बात जो है आप पर आरोप लगे, वो एक बार अगर आप बता पाए पूरा क्या कुछ हुआ था, आप मंच पे चले गए थे, क्या हुआ था? जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने मुझे डांटा था, और मेरा तो मानना है कि उनकी डांट में भी मैंने आशीर्वाद स्वरूप ही पाया, और उसके बाद उन्होंने मुझे अपने रूम में बुला करके भी आशीर्वाद दिया था। तो ऐसा क्या था जिसमें आपको डांट का सामना करना पड़ा, क्या आप कर रहे थे वो जरूर सब जानना। देखिए उस समय मुझे मंच की गरिमा नहीं पता था कि उसमें शांत रहना है, तो मैंने उसमें राम जी का जयकारा लगा दिया था जिससे मंच की गरिमा भंग हो गई थी, तो उसके बाद मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की, और आपकी गलती आपको एक सीख देती है। तो फिर आप जब रामभद्राचार्य जी से मिले तो क्या आपने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा, तो वो थोड़ा और बताइए उसके बारे में, क्या कुछ बात हुई, क्या रहा जब आप दोबारा मिले उनसे? उसके बाद उन्होंने मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और मुझे आशीर्वाद दिया था। और अब जब आप वो वीडियो देख रहे हैं कि दोबारा रामभद्राचार्य जी आपको कह रहे हैं, आपके लिए एक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है, तो क्या आप उस पर कहना चाहेंगे, जो दोबारा वीडियो सामने आया रामभद्राचार्य जी का, उन्होंने मूर्ख शब्द का इस्तेमाल किया है? जी उनकी डांट में तो प्रेम है, आशीर्वाद है, क्योंकि आप बता रहे हैं लगातार धमकियां आ रही हैं, गंदे गंदे मैसेज भेजे जा रहे हैं, तो इसमें क्या आप कोई कानूनी रास्ता भी अपना रहे हैं? हमने मथुरा पुलिस में शिकायत कर दी है, हम कोर्ट जा रही हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि पुलिस अपना काम अच्छे से करेगी, और ये कार्यवाही हमने ट्रोलर्स के यूट्यूबर्स के खिलाफ की है।